दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क लैंप और ब्राइट लैंप विधि क्या होती है जनरेटर को सिंक्रोनाइज करने की कंडीशन में। यह दोस्तों पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज के समय में सिंक्रोनस स्कोप का उपयोग किया जाता है जनरेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। लेकिन यह जो डार्क लैंप ब्राइट लैंप विधि है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या उपयोग होता है और कैसे हम इसके माध्यम से हम जनरेटर को या ट्रांसफार्मर को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जनरेटर या ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा जनरेटर ये है, एक जनरेटर हमारा ये है, तो इन दोनों को हमें सिंक्रोनाइज अगर करना है तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी, दोनों जनरेटरों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तब ये सिंक्रोनाइज होंगे। दूसरा चीज़ है आरपीएम, दोनों जनरेटरों का आरपीएम सेम होना चाहिए तब ये सिंक्रोनाइज होंगे। तीसरे नंबर पे आता है वोल्टेज, तीन जनरेटरों का जो वोल्टेज है वह सेम होना चाहिए तभी वो सिंक्रोनाइज होंगे। और जो चौथी चीज होती है वह होती है फेज सीक्वेंस, सीक्वेंस होता है, अगर यह भी मैच करता है तो ही जनरेटर हमारा सिंक्रोनाइज होगा। तो इन चारों चीजों में दोस्तों कोई भी तीन चीज अगर मैच कर जाती है तो आपका जनरेटर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। या तो आप फ्रीक्वेंसी, आरपीएम और वोल्टेज सिंक्रोनाइज मैच करा दीजिए, या आरपीएम, वोल्टेज, फेज सीक्वेंस मैच करा दीजिए, या कोई भी तीनों चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ आप मैच करा दीजिए। जैसे कि हमारा जो आरपीएम होता है वह ट्रांसफार्मर की कंडीशन पे लागू नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में आरपीएम नहीं लागू होगा, बाकी तीन चीज़ें आपको मैच करानी करानी है। लेकिन जो आपका अल्टरनेटर होता है या इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, उसमें आपको चार चीज़ें मिल जाती हैं, तो इन चार चीज़ों का होना आवश्यक है। तो अब जाइए जानते हैं कि देखिए सिंक्रोनस स्कोप तो बहुत ही ईजी वे है, आप अगर आप कहेंगे तो उस पर मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा। लेकिन अभी आप डार्क लैम्प ब्राइट लैम्प चूँकि ये वीडियो है तो डार्क लैम्प ब्राइट लैम्प के विषय में हम जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जितने जनरेटर हमारे लगे हुए होते हैं, एक दो तीन चार जितने लगे होते हैं, और उनमें हर जनरेटर हमारा जो होता है वो सिंगल फेज का है तो भी ठीक है, थ्री फेज का है तो भी ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो थ्री फेज का हमारा जनरेटर है तो उसका आर का, वाई का और बी का, तीनों का हम तीन बल्ब बना रखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जनरेटर है हमारा, मान लीजिए ये आर वाई बी है तीसरे दूसरे जनरेटर का, और इसके भी मान लीजिए ये लैंप है, ठीक है, लगे हुए हैं दोनों जनरेटरों के लैंप। यहां पर क्या होता है कि नाम से ही जैसा आप जानते हैं, क्लियर हो रहा है कि डार्क लैंप मतलब आपका बंद हो चुका है लैंप, मतलब अंधेरा, डार्क मतलब एकदम समझ लीजिए काला, और ब्राइट मतलब होता है चमकीला, कि चमकीला और काला, इन दोनों चीजों पर ही यह चीज लागू होती है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपका जो जनरेटर का जो वोल्टेज निकल रहा है उसमें निश्चित बात है फ्रीक्वेंसी तो होगी ही होगी, और फ्रीक्वेंसी हमारे देश की कितनी है, 50 हर्ट्ज हमारे देश की फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये हुआ कि एक बल्ब एक मिनट एक सेकंड के अंदर 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। तो देखिए जैसा कि ये है हमारा, इस तरह से हमारी एसी होती है तो ऊपर जब जाता है वेव जाती है तो वह हमारा बल्ब होता है वो जल जाता है, और नीचे जब आता है तो यह बल्ब बुझ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यह चूंकि एक सेकंड में 50 बार यह क्रिया होती है जलने की और 50 बार बुझने की, तो यह इतनी तेजी से होती है कि हमारी आंखें इसको रीड नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब हम इसको डार्क लैंप ब्राइट लैंप की विधि में हम इसका उपयोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमें यह मैच कराना होता है कि दोनों जनरेटरों का जो फ्रिक्वेंसी है वह मैच कर गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्राइट लैंप अगर हम देखते हैं कि दोनों जनरेटरों के जो लैंप हैं वह पूरी तरह चमक जाएं, पूरी तरह से चमक जाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्थिति पे चमकें, और
एक होता है कि वह एकदम बंद हो जाए, जिस समय ये मान लीजिए एक नंबर जनरेटर है या ये दो नंबर जनरेटर है, तो एक नंबर जनरेटर का जब बल्ब है एकदम बंद हो जाए और दूसरे नंबर जनरेटर का भी बल्ब एकदम बंद हो जाए, तो उस कंडीशन पे इनको हम सिंक्रोनाइज करते हैं। तो देखिए ब्राइट लैंप विधि जो, ब्राइट लैंप में क्या होता है कि आप यह तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे कि हमारा जो लैंप है वह पूरी तरह से चमक गया है, पूरी तरह से रोशनी दे रहा है, लेकिन आप यह चीज़ तो बिल्कुल ही जान पाएंगे कि आपका बल्ब पूरी तरह से बंद हो गया है, अंधेरा कर दिया है उसमें, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है। यह चीज़ तो आप अपनी अनंगी आंखों से अच्छी तरह से पकड़ लेंगे, लेकिन चमक गया है पूरी तरह से यह आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए डार्क लैंप ब्राइट लैंप विधि में हम डार्क लैंप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो पूरी तरह से बंद हो गया है, और जैसे ही हमारा बल्ब बंद होता है उसी समय हम दोनों को सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो यह दोस्तों डार्क लैंप और ब्राइट लैंप विधि यही होती है कि हम चमक गया है बल्ब इस चीज़ को आसानी से हम नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन बल्ब हमारा बंद हो गया है इसको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि बल्ब हमारा बंद हो गया, इसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, मतलब बल्ब हमारा बुझ गया है। तो उसी कंडीशन पर हम दोनों को एक साथ पैरेलली में सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको डार्क लैंप और ब्राइट लैंप विधि समझ में आ गई होगी कि क्या होती है और इसका कैसे हम उपयोग करते थे पहले। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे इस चीज़ को लोग जान पाएँ, अगर उनके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी समझ पाएँ इस टॉपिक से संबंधित। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो उसको भी निश्चित ही कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना के लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार दोस्तों।